के बच्चों बच्चों बुराई से यदि तुम्हें भविष्य बताना है तो बच्चों बच्चों रे बुराई से यदि तुम्हें भविष्य बताना है तो बच्चों बच्चों रे बुराई से वैसे बच्चा कहते तो उसको है जो बुराइयों से बचा हुआ होता है, छल कपट हेरा फेरी से, पर समाज के वातावरण से फिर बुराइयां पकड़ लेता है। अच्छे काम करने हैं, बुराइयों से बचना है, कौन सा अच्छा काम तो सच कहना दो। सदा बड़ों को करो नमस्ते, सदा बड़ों को करो नमस्ते, सबके मन में जाओगे बसते, सबके मन में जाओगे बसते, रस्ते चलो भलाई के यदि तुम्हें भविष्य बताना है तो बच्चों 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 बुराई से कोई भी बुराई बच्चा अपने आप नहीं पकड़ता बल्कि समाज के वातावरण को बड़ों को देख करके पकड़ता है। बच्चा झूठ नहीं बोलता, पर झूठ बोलना कहाँ से सीखता है। छोटा सा बच्चा अपने घर के सामने खेल रहा और कोई आदमी आया, उस बच्चे से पूछा, बेटा तेरे पिताजी घर में हैं, तेरे पापा जी घर में हैं? तो बच्चा बाहर से खेल के आया था, इसको नहीं पता था पिताजी पापा जी घर में है या नहीं। बोला जी अंदर जाके देख के जब बताऊंगा। अब बच्चों ये अंदर गया और अंदर जाकर के पिताजी चार पाई पर लेटे हुए थे, चद्दर ओढ़ करके, कहा पिताजी कोई आदमी आपको पूछ रहे। तो पिताजी ने उसकी आवाज सुनती थी, वो जो आदमी बाहर था उसके पैसे देने थे, वो पैसे अभी तैयार नहीं थे। टालने के लिए उस बच्चे से कह दिया, बेटा जाओ उस आदमी ते न्यू कह दे के मेरे पिताजी तो यहाँ है नहीं। और वो बच्चा बाहर आया और बाहर आकर के तूतली सी भाषा में न्यू बोला, जी मेरे पिताजी तो न्यू कह रहे हैं। अब उस आदमी ने न्यू कह दिया, मेरे पिताजी तो है नहीं, है? मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहे हैं? मेरे पिताजी कह रहे हैं, मेरे पापा जी कह रहे हैं। तो झूठ बोलना कहाँ से सीखा बच्चे ने? पिताजी से सीख लिया ना। और झूठ जो है बहुत बुरा पाप है, है? झूठ सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर ये दोहा लिखा है, इसलिए कभी जीवन में झूठ मत बोलो, अपने बड़ों का सत्कार करो नमस्ते के द्वारा। कितना बढ़िया प्यारा शब्द है, अगर बड़ों का सम्मान करेंगे तो बच्चों कितनी चीज मिलती आशीर्वाद रूप में? चार चीज मिलती, अभिवादन शीलस्य नित्यं वर्धे पशो विना चत्वारिष्ट वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चार चीजें मिलती है, आयु लंबी होती है, विद्या बढ़ती है, है? आयु विद्या यश बढ़ता है, संसार के लोग उसकी कीर्ति गाते हैं, और बल ताकत आती है आशीर्वाद से, क्योंकि आशीर्वाद लेंगे तो बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए अपने बड़ों को हमेशा मिलते समय नमस्ते करें। क्यों बच्चों सुनो बेटा, ये बात कर रहा, आप में से कितने बच्चे हैं जो सुबह स्कूल में आते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो अपने माता पिता को नमस्ते करके आते हो? हाथ खड़ा करें एक बार, तो थोड़े हैं, दो तीन परसेंट भी नहीं हो भाई, क्यों क्यों कर ले जो बुलवा ला गई है बहन। छोड़ो बच्चो, देखो इसलिए तो बच्चे बैठ कर लो बेटा, इसलिए तो बच्चे सच्चे होते हैं, जो नहीं करते उन्हें उठाए नहीं है, इसलिए बच्चे जिन्होंने नहीं उठाए ना उनके लिए तालियां बजाओ, एक तालियां बजाओ, सच्चे बच्चे हैं। पर बेटा ये जिंदगी में धारण कर लो, जब भी आप विद्यालय में आओ, स्कूल में जाओ, आओ
तो आते समय अपने घर में माता जी है, पिता जी है, दादा जी है, चाचा जी है, ताऊ जी है, बड़े भाई है, बहन है, जो भी घर में है उसको नमस्ते करके आओ। अच्छा, आपके बाद जो ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आपके बाद हम जब भी स्कूल में आएंगे दक्षिणा ले रहा हूँ जोड़ी फहरा करके आपसे दान में, सब बच्चे जो आज से पहले नहीं करते थे मैं उन बच्चों से दक्षिणा मांगता हूं, मेरी जोड़ी में डाल दो कि आज के बाद सब बच्चे जब सुबह आएंगे तो अपने माता पिता बड़ों को नमस्ते करके आऊंगा। कौन कौन आएंगे हाथ खड़ा करो एक बार। हाँ, ये बड़ा ये अच्छी बात है, आपने प्रतिज्ञा की है। और देखो प्रण जित कर लेना किसी विद्वान पंडित के सामने तो बेटा वो टूटना नहीं चाहिए। कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए आज के बाद जो घर में बगैर माता पिता को नमस्ते करके आए। और स्कूल में विद्यालय में आकर के अपने अध्यापकों को तो नमस्ते करते हो ना, सब करते हैं, बहुत बढ़िया। अगर नमस्ते करोगे तो इनका भी आशीर्वाद मिलेगा और बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं, कई स्कूलों में जाते हैं बच्चे कहते हैं नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी, बड़े कहते स्कूल में शे कम वक्त पावे निकम्मे। उनकी के बात बताऊं, एक स्कूल में हम प्रोग्राम कर चले गए, बच्चे नाम नहीं लेता स्कूल का, तो वहाँ जब स्कूल में बड़े हम हमारे हाथ में बैग अट्टे चाहिए बैग में डाल रहे थे वहां पे प्रचार कर आवेंगे, तो एक क्लास बैठी सामने दसवीं ग्यारहवीं की, उनने देख लिया और देखते ही अपने बैग पीटने शुरू कर दिए, जोड़ा का हाथ मारा बैग के नुकरे आगे रहे आगे रहे। बोले कौन आगे ने, बोले बेटे सगाई करने आगे वो बैग से देना मारे हाथ में, सोचा इसमें फल ले रहे होंगे सेब संतरे है टिक्के करके बाहर लेके जाओगे। एक दूसरा ने बोला बेटे सगाई को करने वाले को नहीं आए, बोले और बोला ये तो उसने भेजे वीडियो ने वीडियो सारा बपाणी सब ले गया। नमस्ते किसी ना हो दो चार बच्चे अलग से खड़े पानी पीने लग रहे टूटी पे, हमने सोचा भी चलो इन्हें पता नहीं होगा आज हम कर ले नमस्ते फिर ये सीख लेंगे आगे अपने आप कर लग जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा मैं बेटा नमस्ते मैंने तो नमस्ते ये नुबांगे बांगे देखे मेरे घर, मैंने सोचा सुना नहीं होगा हटके कर लू, मैं दोबारा बोला मैं बेटा नमस्ते, जब बोर्ड का हटके नमस्ते करी तो बांगा हाथों पड़ा करके ले तो नमस्ते का जवाब भी की में दिया हमने। ऐसा नहीं बनना है, अच्छे बच्चे बनना है, बढ़िया बच्चे बनना है, अच्छे बालक बनना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपस में मिलते समय भी नमस्ते किया करो। नमस्ते का बड़ा प्यारा शब्द अर्थ है बच्चों, नमस्ते का अर्थ है मैं आपका आदर करता हूं सम्मान करता हूं, इसका अर्थ है। तो इसलिए सबसे पहला काम ये और दूसरा और प्रातः शौच स्नान को जाओ, प्रातः शौच स्नान को जाओ, व्यायाम करो प्राणायाम चढ़ाओ, दूसरा काम और सुन लो बहुत जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा आपको। सुबह उठ करके शौच आदि से निवृत्त होना है, है? सुबह उठते एक गिलास पानी का पी लो ताजे का गर्म मिल जाए और बढ़िया है, ये बड़ों के लिए भी अच्छा है, अमृत है सुबह का गर्म पानी पीना, कभी पेट खराब नहीं होने का बिल्कुल। पानी पीने के बाद में शौच आदि से निवृत्त हो जाओ और उसके बाद में व्यायाम करो, व्यायाम व्यायाम करने से शरीर मजबूत होता है कमजोर बच्चों है, मजबूत होता है या कमजोर होता है व्यायाम करने से शरीर, मजबूत होता है, है? दारा सिंह व्यायाम किया करता था, सतपाल पहलवान है दिल्ली में व्यायाम, सुशील पहलवान है, और तीन बेटी आपके इसी भिवानी जिले की बलाड़ी गांव की है बबीता फोगाट, वो तीनों बहनें जो है वो आज भी अखाड़े में जाकर के वो कसरत करती है व्यायाम करती है, दंड बैठक पहनती है, बेटियों को भी करना चाहिए व्यायाम।
शरीर मजबूत होगा, इसलिए व्यायाम करो और अपनी पढ़ाई को बड़े ध्यान से पढ़ो। बच्चे भूल गए कई जगह तो व्यायाम भी क्या होता है, है? थोड़ा बेटा ए बढ़िया लटो सुन, कई जगह हम लोग कहेंगे बच्चों व्यायाम करया करो, बोला जी कौन सी दुकान पर मिलेगा, भूल गए बालक व्यायाम की कोई चीज हो है। मैं बोले बेटा दुकान पर नहीं मिलेगा, और मखा सवेरे उठ के और सड़क पर जाके 3 किलोमीटर की दौड़ मारिया मार खाया करो। छाती का पंखा नहीं पाट देना, कोई सा बता दो ना, खड़ा खड़ा कर दे मखा, पड़ा पड़ा बता दो तो। बोले फिर तो और बढ़िया जी आसानी रहेगी, मखा दंड मारिया करो दंड। बोला जी जुगाड़ को दंड मारने का, फिर वहां बैठक मार लिया करो। एक ने बोला जी मैंने तो बैठक मार के देखी थी एक दिन, फिर माँ क्या होया, बोला जी सिंगल लागी। मगर सिंगल क्यों कर लागी, बोला जी बैठ तो गया उठा नहीं गया। ये सिंगल बैठक लगती है क्यों, बच्चे व्यायाम को भूल गए। इसलिए बेटा शरीर मजबूत बनाओ, और शरीर मजबूत बनाने के लिए व्यायाम का करना जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, शरीर को परिश्रम देना जरूरी है, और खान पान भी सुधारो। आजकल बच्चे सुबह जब उठते हैं ना, हम जब बच्चे से थे ना सुबह उठा करते ना जो आंख मसल जा करते रो भी पड़ते का थी, बस माँ को दिखेले होगा वहां दूध पीएंगे, माँ दूध दे दें बाल्टी में दें, मगा माँ ऐसा दूध नहीं चंदा बोले और मलाई आला चाहिए, मगा मलाई आला मलाई के रहा करते। और जब रोटी खा करते माँ धोरे बैठ के जब सूखी रोटी दे दी ना, रोटी ना फेंक के अपना रूस के बाहर चले गए। माँ पूछती क्यों रूस का गया था, माँ टिंडी तो धरिए नहीं तुमने, है मक्खन तो धरिया ही नहीं टिंडी है उसकी नमस्ते कर लो, माँ नमस्ते, इतनी टिंडी तो रहेगी अखिड़ी पर, खा के बिजली ही चिस जाएगी। तो बच्चे जो है ना दूध पिया करते थे, घी खा करते थे, शरीर मजबूत होया करता था। ईब बड़का ने देखे ना ओ तड़की एक के चीज बजू तबा दे जा, बस इस चीज पे इसी चीज के ऊपर जूत बजे जा। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, छोटकी है चीज रही भी कोई नहीं, ये दूध छोटा को नहीं है, तड़की मोटरसाइकिल ड्राम बांध के फिर जगण आग बुझानी है, फिर सारे गांव का दूध इकट्ठा करके ये लेके बड़का ने मिलता भी कोई नहीं। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, तड़के उठ के ये बालक मते सा 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 बना लो सा 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 पीवेंगे सा सा सा। दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, तड़के उठ के बालक मते सा 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 बना लो सा 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 पीवेंगे सा सा सा। और चाह भी कैसी है? कोई बात नहीं, स्वामी जी महाराज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, बस तब तक एक कड़ी तो सुना ही दूंगा। दो पत्ती चा दो दे मुकेश तू पीछे कवर करिए, एक बार पीछे कवर कर। ओ दूध दही मक्खन रबड़ी की रस्म छूटती जा, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें,
कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य कैकेला ट्राइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।